हाई एवरीवन, दिस इज़ वॉल्फ 359 एंड फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, हमने उसमें अपना काम स्टार्ट ही किया था एंड मैंने काफ़ी कुछ किया था। मतलब हमारे पास तीन फील्ड है, जिसमें से एक फील्ड को मैंने आई थिंक पूरा रेडी कर दिया था एंड कुछ वर्कर्स भी मैंने लगाए थे काम करने के लिए। एंड ये जो सामने देख रहे हो आप, ये भी मैं ख़रीद के लेके आया था, फर्टिलाइज़र वाली मशीन। एंड इस वाले खेत में मैंने वीट आई थिंक पूरे काट दिए थे। हाँ, ये देखो हार्वेस्टर की मशीन यहाँ पे खड़ी हुई है एंड इसमें थोड़े से गेहूँ भी हैं जो कलेक्ट हो गए हैं, तो इसे भी मुझे खाली करना पड़ेगा साइलों में। एंड ये अपना दूसरा फील्ड है जिसमें मैंने सीड लगाए थे रेडिस के, बट शायद से पूरा काम नहीं हो पाया था इसमें। ओके, यहाँ तक हो गया था एंड ओके, यहाँ पे नहीं लगे अभी तक बीज। ओके, सो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ एंड यहाँ पे सीड लगाना शुरू करते हैं, ताकि हमारी जो फसल है वो जल्दी से जल्दी उग सके। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी इसको एंड यहाँ पे भी मैं वर्कर असाइन कर देता हूँ अभी। ओके, सो मैंने वर्कर यहाँ पर लगा दिया, तो ये जो बची जगह है उसमें सारे सीड लगा देगा। ओके, ये ठीक से तो काम करेगा ना। चलो कोई ना, अभी मैं हार्वेस्टर के पास में जाता हूँ एंड जो भी उसमें अपना वीट है उसको साइलो में हम कलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम इसको बेच के आने वाले हैं आज। एंड ये देखो हमारा फर्स्ट जो था ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है एंड इसमें मैं कुछ भी नहीं उगाने वाला। इसमें अपन ग्रीन हाउस या फिर कुछ एनिमल्स पालने वाले हैं। ओके, सो मैं इसमें बैठ गया हूँ एंड साइलो मैं ट्रॉली नहीं लाने वाला, डायरेक्ट साइलो में जाके इसको खाली कर देते हैं। ज़्यादा टेंशन वाली, ज़्यादा मेहनत लगेगी वरना। ओके, वेट। ओके ओके ओके, थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा मुझे। ओके, परफेक्टली आ गया है ये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खाली हो रहा है यहाँ से। एक बार ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में एक बार कलेक्ट और कर लिया था एंड ये दूसरी बार है वीट का। सो काफ़ी सारा वीट हो चुका है अपने पास में अब, और अब इसको बेचने का टाइम आ गया है, क्योंकि यदि इसको बेचेंगे नहीं तो हमारे पास में पैसे नहीं आएंगे एंड जो अपन ने लोन ले रखा है उसको भी चुकाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वरना बाद में। तो इसको तो हम एक साइड में लगाते हैं पहले। ओके, तो इसको यहीं पे भी खड़ा करते हैं एंड वेट, मैं उसको देख के आता हूँ अपने वर्कर को, क्योंकि ये जो वर्कर है वो बीच में ठीक से काम नहीं करते हैं यार। इसको ठीक से बताना पड़ेगा हमें, वरना ये रुक जाते हैं बीच बीच में। और आई थिंक ये काम कर तो रहा है मेरे हिसाब से, देखता हूँ मैं, रुको एक मिनट। अच्छा, यहाँ तक कर दिया इसने। ओ, ये वाला एरिया छोड़ दिया भाई, क्यों? यहाँ तक इसने करके ये वाला एरिया छूट गया इसने। आई थिंक इसको बताना पड़ेगा कि इस एरिया में भी लगाना है हमें। और हमारा वर्कर जा चुका है, देखो तो मुझे वापस से किसी दूसरे वर्कर को बुलाना पड़ेगा। वेट, और उसको थोड़ा ठीक से बताना पड़ेगा कि इस फील्ड में हमें सीड लगाने हैं। और ये देखो हमारा सीडर भी कितना गंदा हो गया, इसको भी हम बाद में धो लेंगे अच्छे से। ओके, तो मैं यहाँ पे एक और वर्कर बुला लेता हूँ। एट, ओके, सो मैंने यहाँ पे दूसरा वर्कर बुला लिया है, अच्छे से काम करेगा आई थिंक। ओके, मैं जाने वाला हूँ अब वापस से फर्टिलाइज़र के पास में, क्योंकि वेट वेट, अभी मुझे इस खेत को भी यहाँ से जो मटेरियल है इसको भी हटाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल है जो गेहूं का निकलता है, उसको शायद से हमें बेल बनाने वाली मशीन लानी पड़ेगी, तभी हम इसको ठीक कर पाएंगे इस फील्ड को, देन इसमें हम दूसरी फसल उगाने वाले हैं। ओके, सो अभी मैं शॉप पर जाने वाला हूँ एंड वहाँ से कुछ मैं फर्टिलाइज़र लेके आने वाला हूँ, ताकि जो अपना खेत है उसमें अपन ने बीज तो डाल ही दिए हैं एंड अब फर्टिलाइज़र डालने का बारी है। सो जब तक वो काम करेगा तब तक अपना फर्टिलाइज़र भी आ जाएगा यहाँ से।
और ये जिसका भी खेत है उसका मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ अभी इस बंदे को। ओके, तो मैं बस पहुँचने वाला हूँ यहाँ पे, इसको खड़ा करते हैं अपन। वेट वेट वेट, थोड़ा सा घुमा लेता हूँ मैं इसको। ओके, यहीं पे रखते हैं इसको अभी, और जाता हूँ मैं शॉप के अंदर। एंड मुझे कुछ सॉलिड फर्टिलाइज़र लेना पड़ेगा, सो ये रही इन्वेंट्री अपनी। ओके, सो इसमें आ जाते हैं अपन। ओके, ये रही सॉलिड फर्टिलाइज़र। ओके, तो अभी मैं कितना लेना चाहिए? ओके, एक बॉक्स हो लेते हैं। ओके ठीक है, 4 बॉक्स हम खरीदने वाले हैं यहाँ से। ओके ठीक है, यहाँ से 4 बॉक्स हमने खरीद लिए, काफ़ी होगा इतना, मतलब एक बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है फर्टिलाइज़र। सो एक अपने पूरे खेत के लिए तो इनफ होगा, इनफ मतलब अपन सेव करके रखेंगे ताकि हमें बार बार आना ना पड़े। तो अभी मैं इनको उठा के नहीं ले जाने वाला, मैं यहीं से इनको फिल कर लूँगा ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर। ओके, तो इसको इसके पास में लगाते हैं एंड इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सो एक बॉक्स से मैंने फिल करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, सो एक बॉक्स पूरा आ गया एंड इसमें 11% फर्टिलाइज़र था। ओके बिल्कुल ठीक है, दूसरा बॉक्स भी खाली हो गया अपना, ये थर्ड एंड ये लास्ट वाला भी। ओके ऑल राइट, हो गया सब कुछ। ये देखो यहाँ पे वाइट वाइट सा हमारा फर्टिलाइज़र है। ठीक है, फर्टिलाइज़र लिक्विड वाला भी आता है बट उसके लिए हमें अलग मशीन लेनी पड़ेगी, तो अभी हमारे लिए सॉलिड फर्टिलाइज़र ही ठीक है। जब हमारे पास में ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तब हम उसको लेने का सोचेंगे। अभी तो अपनी फसल की ग्रोथ के लिए सॉलिड फर्टिलाइज़र ही इनफ होने वाला है, और आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उन दोनों में। सो अभी मैं जाता हूँ अपने फील्ड में एंड मैं फर्टिलाइज़र डालना भी स्टार्ट करता हूँ ताकि दोनों काम एक साथ ही निपट जाएं। अपना सीड वो वर्कर कर ही देगा सीड डालने का काम, एंड आई थिंक फिनिश भी हो जाना चाहिए। वहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि इसने काम किया है कि नहीं किया है। तो ठीक है, मैं यहाँ से डालना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। वेट, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट हो चुकी है हमारी मशीन एंड ये पीछे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से फर्टिलाइज़र यहाँ पे डाला जाता है फील्ड में। काफ़ी अच्छी मशीन है, कभी देखी नहीं है वैसे रियलिटी में हमने। ओके, सो यहाँ पे भी मैंने वर्कर लगा दिया, ये काम कर देगा अपना पूरा। मैं उस वर्कर को देख के आता हूँ कि उसने पूरा काम किया कि नहीं। अबे हटो यहाँ से, वेट वेट वेट, यहाँ पर यार रुक तो गया वो, लगता तो है कि नहीं भाई नहीं, काम नहीं किया इसने। और अबे ये एक ही रो में काम किया इसने भाई, मैं क्या बोलूँ बताओ। मैंने एक रो में नहीं लगाया था इस वर्कर को, मैंने बोला था इसको पूरा करके देना बट चलो कोई ना, हमें दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, और यहाँ पे आगे हाफ एरिया में लगाना है अपने को। नीचे हो गया, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने वापस से एक वर्कर को बुला लिया है, आई थिंक ये कोई गलती नहीं करेगा, मैंने इसको डबल पैसे दिए हैं। और वो क्या सामने वाला क्या, अरे भाई सामने फंसा दिया इसने तो पेड़ में आके। वेट यार, मुझे निकालना पड़ेगा इसको, रुक जाओ, ये बहुत गलत बात है। देखो ये अंदर चला गया इसका, इसको पीछे करना पड़ेगा। वो बात वर्कर भी चला गया अपना। वेट वेट, अबे ठीक है, निकल गया निकल गया। ये लगा अपना ट्रैक्टर चला गया वापस से, नुकसान हो जाता अभी तो कोई नहीं बट ठीक है, निकल गया।
ओके, इसको ठीक से लगाते हैं वापस से। ओके, सो हमारी ठीक है, मशीन ठीक से काम कर रही है। ओके, तो ये इस एरिया में पूरा कर देगी। ओके, मुझे वापस से वर्कर को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं करने वाला ये सब काम, मुझे और भी काम है भी। मुझे वीट को बेच के भी आना है, सो मैंने वापस से यहाँ पे वर्कर लगा दिया है। और आई थिंक ये कर देंगे अपना काम। हाँ, फिर मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये ठीक से करने वाले हैं या नहीं। ओके, तो इनको अपना काम करने देते हैं एंड मैं निकल जाता हूँ वापस शॉप के, क्योंकि मुझे एक ट्रेलर बाय करके लाना पड़ेगा। सो उसके लिए मुझे ट्रैक्टर लेके जाना पड़ेगा। एंड ट्रैक्टर यार कहाँ पे है? कहाँ पे नहीं है, आई थिंक वो स्टोन लगा रखा है मैंने उससे। ओके, इस स्टोन कलेक्टर को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। एंड नहीं यार, इसको लेके जाऊँ क्या मैं? नहीं यार, इस ट्रैक्टर की पावर थोड़ी कम है, तो इसको नहीं लेके जाना चाहता मैं वहीं पे जाके वेट करता हूँ, क्योंकि काम पूरा होने वाला है और जैसे वहाँ पे एक ट्रैक्टर फ्री होगा, सो मैं इस ट्रैक्टर को लेकर निकल जाऊँगा शॉप पे, क्योंकि मुझे एक बड़ा ट्रेलर चाहिए गेहूँ को लोड कराने के लिए। एक ट्रेलर अपने पास ऑलरेडी है, बट उसमें बहुत ही कम, मतलब एक ही बार में भर जाता है वो, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे दो चक्कर लगाने पड़े। सो इसीलिए मुझे ख़रीदना पड़ेगा। एंड ये वर्कर अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो ये अपना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्टिलाइज़र का काम होने वाला है पूरा, मुझे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। ये देखो वहाँ से ट्रेन जा रही है, और यहाँ पे अपन ने ट्रेन के थ्रू भी सामान को एक कंट्री से, मतलब यहाँ से किसी और कंट्री में भी हम भेज सकते हैं, बट वो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक तो कॉस्ट लगेगा उसको भेजने में, और वहाँ काफ़ी दूर है स्टेशन, यहाँ से काफ़ी दूर है ये, यहाँ पे नहीं रुकती ट्रेन, मुझे काफ़ी आगे जाना पड़ेगा यदि मुझे कुछ बेचना हो बाहर ले जाके। तो नहीं, देखो अपना फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा एरिया घेर लेता है एक ही बार में, तो ये काफ़ी कूल सिस्टम है। वैसे ऐसा ही अपना हार्वेस्टिंग वाला भी होना चाहिए था, उसके लिए भी एक बड़ी मशीन आती है, तो जैसे हमारे पास में ज़्यादा पैसे आने लगेंगे, सो हम थोड़ी बड़ी मशीन लेके आएंगे हार्वेस्टर के लिए। और कल्टीवेटर के भी लिए ऑलरेडी कल्टीवेटर भी लाना पड़ेगा हमें बड़ा सा। ओके, सो इसका एक ही राउंड बचा है यहाँ पे, बस होने वाला है, देन हम इसको लेके निकल लेंगे। जल्दी से कर भाई, यहाँ पे रुकने का टाइम नहीं है। ओके, तो स्टार्ट कर दिया इसने वापस से यहाँ पे। तब तक ये बंदा सीड यहाँ पे कर ही लेगा, सीड का काम। और ये अपने बगल वाले पड़ोसियों का खेत है, अभी तक इन्होंने अपनी फसल नहीं काटी है, आए तक वर्कर नहीं होंगे इनके पास में। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा बचा है काम, और कुछ दिनों के वेट के बाद में हमारी फसल ग्रो होने लगेगी, देन अभी बहुत कुछ करना है हमें। ओके, तो आई थिंक इसका काम पूरा हो गया, अपने फर्टिलाइज़र का काम पूरा हो गया, तो मैं इसको लेके निकल लेता हूँ अब। काफ़ी इंतज़ार करा दिया इसने, बट काम पूरा हो गया, क्योंकि ये ट्रैक्टर का पावरफुल है, इसका जो इंजन की पावर है वो थोड़ी ज़्यादा है उस ट्रैक्टर में। ओके, सो इसको मैं आगे जाके खड़ा करता हूँ और देख के निकल जाता हूँ इसको मैं। ओके, इस खेत को भी मुझे साफ़ करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे बेल बनाने वाली मशीन लेके आनी पड़ेगी, तभी जाके इसको हम साफ़ कर पाएंगे। इसको यहीं पे हम रोकते हैं। ओके, मैंने हटा दिया इसको एंड अब मैं लेके निकल जा रहा हूँ इसको। ओके, ये जो ट्रॉली है अपने पास में, इसमें मैंने ऑलरेडी गेहूँ भर के रखा हुआ है एक ट्रॉली, सो मैं सोच रहा हूँ इसको भी मैं बेच दूंगा बाद में, क्योंकि मैं अभी बड़ा ट्रेलर लेके आऊँगा,
ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा मतलब ज़्यादा राउंड लगाने ना पड़े। ओके ओके, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। इसको पार्क करते हैं पहले तो। वेट वेट वेट, ओके इसको यहीं पे लगाते हैं एंड ख़रीदते हैं अपनी ट्रॉली। ये रहा ट्रेलर्स अपने पास में, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और सबसे बड़ी ट्रॉली चाहिए मुझे, वेट देखता हूँ मैं, थोड़ी अच्छी भी हो। 31 यूरो की है यहाँ पे, और ये वाली 33 की है, 39। हुआ भाई, काफ़ी ज़्यादा प्राइस है इनकी तो भाई सब। रुको, आई थिंक मुझे ये ले लेना चाहिए। ठीक है, इतने पैसे काफ़ी ज़्यादा पैसों का है, बट हमारे लिए इनफ होगा क्योंकि हमें बाद में कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा। और वो जो दूसरी ट्रॉली है उसको भी मैं सेल कर दूंगा यहाँ पे आके। तो अभी मैं ये लेने वाला हूँ। अभी यहाँ पे ये क्या है? ओके, इसको स्टैंडर्ड ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पे हम वाइट टायर्स करते हैं इनका। ओके, सो वाइट टायर बेटर रहेगा वैसे। ठीक है, तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ अब। ओके, सो मैंने इसको बाय कर लिया है। वो आ चुका अपना ट्रेलर, एंड इसको जल्दी से अटैच करके लेके चलते हैं अपने फील्ड में। तो वेट देख रहे हो, गेयर लगाने वाला सिस्टम बहुत अच्छा दिया गया है इसमें। देखो जैसे मैं आगे करता हूँ, आगे वाला गेयर डालता है इसमें। ये देखो पीछे वाला, ये डाल दिया। ओके सर, इसको अटैच करते हैं बिना किसी देरी के। बस 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 बस, थोड़ा सा। सो मैंने अटैच कर लिया इसको एंड मैं लेके जाता हूँ इसको। ज़्यादा भारी तो नहीं है ना ये तो। ओके, स्पीड अपनी ठीक ठाक है, 40 तक जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपना ट्रैक्टर इसको आसानी से खींच सकता है, इसमें काफ़ी पावर है उस ट्रैक्टर के मुकाबले तो। एंड इनकी ये फसल मेरे क्या बोलूँ, ख़राब तो नहीं होगी वैसे। चलो छोड़ो यार। ओके सो ये रुको, सबसे पहले ये जो अपनी दूसरी ट्रॉली है भाई, इसको यहाँ पे किसने लेके आया? आई थिंक कोई वर्कर ने यहाँ पे लेके खड़ी कर दी होगी आई थिंक। चलो कोई ना, सबसे पहले तो मैं इसमें अपना वीट निकाल लेता हूँ जो भी मैंने साइलो में डाला हुआ है। ओके, निकलना स्टार्ट हो गया। ओके देखो आप, कितना ज़्यादा स्टोरेज है अपने पास में। तो ये भरने वाला नहीं है एक बार में, तो रुक जाऊँ। इसको सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाता हूँ साइड में, एंड जो दूसरी ट्रॉली है वहाँ पे खड़ी हुई है उसमें भी गेहूँ है, तो मुझे उसको भी खाली करना पड़ेगा। उसको भी साइलो में मैं पहले खाली करूँगा, देन इसको भी उसी में डाल लेंगे। सो ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में। ओके, तो मैं इसको यहीं पर लगाता हूँ एंड उसको लेके आता हूँ अब मैं। अबे रोड का पता ही नहीं चलता भाई, मुझे यहाँ पे फेंस लगानी पड़ेगी अपने घर के आसपास में। वेट वेट, ओके अटैच कर लिया भाई। निकल जा भाई, ये ले निकल। अबे अब कितना पीछा करो भाई। ये ले, हो गया हो गया, बस इससे ज़्यादा लिमिट नहीं थी मेरी। तो इसको भी जल्दी से खाली करते हैं साइलों में, देन उस बड़े वाले ट्रेलर में हम पूरा गेहूं डाल लेंगे। सो रुको, इसको ओपन करते हैं पहले तो। ये कपड़ा हटाते हैं इसका। ओके, हटा दिया मैंने। देन इसको लोड करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उस ट्रॉली में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है वैसे, इसमें ज़्यादा कलेक्ट भी नहीं होते, एंड इसीलिए मैं इसको बाद में बेच दूंगा क्योंकि मैंने एक बड़ा ट्रेलर ले लिया है तो इसका कोई यूज़ नहीं है। इसको खड़ा करता हूँ मैं साइड में,
यहीं पे पीछे की साइड लगाना पड़ेगा मुझे। रुको, इसका टायर ना पूरी तरीके से घूम जाता है यार पीछे लेते वक्त, यही प्रॉब्लम है इस ट्रॉली में। ये देखो, आप देख रहे हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। वेट, इसको आगे लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको यहीं पे हम छोड़ते हैं अभी। ओके, निकाल दिया मैंने इसको। अभी इसको कनेक्ट करते हैं वापस से। वेट, यहाँ पे वेट पड़ा होगा ना, ये रहा। आई थिंक अपना ट्रैक्टर पीछे से उठना तो नहीं चाहिए, बट यदि यार ये लग नहीं रहा। वेट एक्चुअल में ट्रैक्टर को बैलेंस करने के काम आता है, ताकि वो आगे से उठे ना। यदि पीछे ज़्यादा वजन होगा तो आगे से उठ जाएगा, इसीलिए वेट लगाते हैं आगे। बट अपना ट्रेलर आई थिंक नहीं होगा इतना वेट उसका, तो मैं वापस से इसको अटैच करता हूँ। एंड साइलो से जो भी मैंने गेहूँ डाला था इसमें कलेक्ट करते हैं, देन इसको बेचने के लिए हम निकलेंगे। अबे थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा, रुको। वेट वेट, ओके। सो मैंने इसको अटैच कर लिया, इसमें भी फिल करते हैं अपना गेहूं को। काफी बड़ा तो है यार ये। ओके, अबे अभी तो मैं खाली कर देता भाई। ओके, सो स्टार्ट हो गया भरना, एंड पूरा खाली कर दिया मैंने। और देखो आप, ट्रेलर की कैपेसिटी देखो आप, मतलब इसमें और आ सकता है, अभी तो काफ़ी आ सकता है। ये 50% भी नहीं भरा अभी, तो मैंने काफ़ी ठीक खरीद लिया वैसे तो। एंड मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ कि गेहूं का रेट क्या चल रहा है अभी। ओके, सो यहाँ पे यार ठीक है, यहाँ पे सबसे सस्ता है, यहाँ पे प्राइस ठीक रहेगी। एंड जो नीचे वाला है ना, मेरिनसन वाला, यहाँ पे वो ही मैंने ट्रेन वाला बताया था ना, ये ट्रेन वाला सिस्टम है, तो मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दूर है वो। और ये देखो यहाँ पे, ये जो प्राइस है वो मंथ सबसे, मतलब अगस्त में सबसे डाउन चल रहे हैं अभी। जो सबसे हाई जाने वाले हैं वो जनवरी में और फरवरी में जाने वाले हैं। ओके, तो यदि गेहूं को बेचना, अच्छे दामों पे बेचना है, तो हमें जनवरी तक का वेट करना पड़ेगा। बट मेरे पास टाइम नहीं है इतना, क्योंकि मुझे लोन भी चुकाना है। और यहाँ से मैं इसको सबसे पहले, ठीक है, इसका मार्कर मैंने कर लिया, ठीक है, मैप में मैंने मार्क कर लिया इस जगह को, यहीं पे हम बेच के आने वाले हैं। और वो देखो सामने आप, उधर एक मार्कर दिख रहा है बलून के पास में, वहीं पे हमें जाना है। और ये क्या भाई, हमारा ट्रैक्टर थोड़ा भारी चलने लग गया भाई। ओके, थोड़ा सा लोड पड़ रहा है इस पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वजन हो गया पीछे, तो 25 इतनी स्पीड भी काफ़ी है हमारे लिए। वेट, सबसे पहले मैं रास्ता देख लेता हूँ, यहाँ पे शायद हमें जाना है। और अभी हम कहाँ पे हैं? वेट, यहाँ पे जाना है, ठीक है, मिल है यहाँ पे। और अभी हम यहाँ पे हैं, तो मैं सीधा जाके राइट ले सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से सीधा निकलता हूँ, देन मैं हम राइट की तरफ मूव करेंगे, देन आगे का रास्ता हम बाद में देख लेंगे। हमारे ट्रैक्टर का जो इंटीरियर है काफ़ी धांसू है देखो। अरे अच्छे, वाह भाई, स्पीड इसने पकड़ ली। देखो, मुझे लगा ये 20 या 25 की स्पीड में चलेगा, बट 35 तक पहुंच गया है इजीली। आई थिंक प्लेन रोड है ना, इसलिए ये अच्छा स्पीड दे रहा है। अब देखना ये हुआ कि हमारे पास में जितना गेहूं है उसका हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे चारों तरफ खेत ही खेत हैं, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वीट उगा रखा है लोगों ने,
और कुछ लोगों ने बारले वगैरह भी लगा रखा है। ठीक है, यहाँ से ध्यान से मैं घुमाता हूँ यहाँ से। ठीक है, एकदम परफेक्ट। और यहाँ पे मिरर भी लगे हुए हैं, तो यहाँ से पीछे हम देख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं और यहाँ का आसपास का एरिया भी हम देखते हुए चलेंगे, ताकि हम आसपास के एरिया को अच्छे से जान पाएँ। अभी तक मैंने पूरा मैप एक्सप्लोर भी नहीं किया है, सो इसलिए थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। आंटी, ये क्या है? आई थिंक ये एक बेकरी शॉप है। ओके, वेट 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 वेट, यहाँ से मुझे जाना कहाँ है? ओके, आई थिंक उधर जाना है मुझे। यहाँ पे हम बेकरी, मतलब यदि हम कुछ एनिमल्स पालेंगे ना, तो वहाँ से दूध या फिर कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच सकते हैं लाके। बट अभी हमारे पास में है नहीं, तो मैं जब भी स्टार्ट करेंगे ये काम तो यहीं पे आया करेंगे, और जगह तो हमने देख ही ली है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे रिवर है, और यहाँ पे अदर साइड में भी कुछ रिवर्स हैं, तो पानी की कमी। वेट, वहाँ पे कुछ मुझे बोट्स भी दिखाई दे रही हैं। हाँ, बोट ही है। वहाँ पे चल क्या रहा है भाई? कुछ आई थिंक घूमने जैसा कुछ बना रखा है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। ओके, सो हम पहुँचने वाले हैं अभी, बस जस्ट सामने ही है। हमारी मिल आ चुकी है सामने, और देखते हैं हमें कितना पैसा मिलता है। काफ़ी मेहनत करी है हमने यहाँ तक आने में। वेट, थोड़ा सा मुझे ठीक से लगाना पड़ेगा आगे। काफ़ी भारी हो गया यार अपना ट्रेलर। ओके, यहाँ पे एकदम परफेक्ट, इसको खाली करते हैं। ओके, एकदम परफेक्टली काम हो चुका है, एंड अपने को 11,000, लगभग 11,000 हमें मिले हैं। ओके, तो इनफ है यार, इतना भी मतलब कम ही मिले हैं, बट ठीक है, अभी के लिए ठीक है, चलेगा। एंड इसको मुझे रोटेट करके वापस जाना पड़ेगा। वेट, थोड़ा सा भारी ले यार, इसलिए जा नहीं पा रहा पीछे। वेट, निकल जा भाई, निकल जा निकल जा। ओके, निकल गया। अभी जल्दी से अपन पहुंचते हैं अपने फार्म हाउस पे। ओके, सो मैं अपना ट्रैक्टर लेके आ चुका हूँ यहाँ पे, बस पहुँचने वाला हूँ। ओके, सो बस 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 मैं आ गया यहाँ पे। अपने ट्रैक्टर को खड़ा करते हैं यहीं पे बस। ओके, एंड मुझे वो दूसरी जो ट्रॉली है ना, उसका कोई काम नहीं है, तो उसको मुझे बेच के आना पड़ेगा। रुको, इसको यहाँ पकड़े कर दिया अपने। एंड ये अपने पानी का टैंकर भी यहीं पे है। वेट, इसको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे। जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अबे यार, ये क्या हो गया? रुको, इसको अटैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वेट, हो गया हो गया हो गया, अटैच कर लिया अपन ने। एंड अब मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पे, सीधा ही जाने वाला हूँ मैं। इस बंदे को बाद में देख लेंगे हम, यदि कुछ बोलता है हमें तो। आई थिंक यार, इस ट्रोली के अच्छा अमाउंट तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका रेट देखा था तो शायद लगभग 10,000 या 11,000 में ये चल रहा था। तो अभी देखते हैं इसका कितना हमें मिलेगा। इसको
इसको यहीं पे लाके खड़ा करते हैं। वेट, थोड़ा सा आगे आ गया मैं, रुक जा रुक जा। और फिर अपने ट्रैक्टर को आगे मैं पार्क में लगाता हूँ, एंड अब देखते हैं इसका कितना प्राइस मिल रहा है हमें। ओके, लगभग 12,000 हो रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल गया हमें। मुझे लगा नहीं था इतना मिल जाएगा, बट काफ़ी सही अमाउंट मिल गया। ठीक है, हमारा काम हो गया, एंड मैं वापस से जाता हूँ अपने फील्ड पे। वेट 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 वेट, और आई थिंक हमारा सीड का काम भी पूरा हो गया होगा, जहाँ तक है, एक बार देख लेंगे। काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं इस गेम के। वैसे इंटीरियर देखो आप, कितना औसम दे रखा है भाई, एकदम रियल वाली फील आती है पूरी। टाइमिंग भी दे रखा है, एंड शाम होने वाली है वैसे तो। ओके, 4:40 हो चुके हैं, 5 बजने में हैं, एंड काफ़ी टाइम हो गया मुझे काम करते करते। इसको यहीं खड़ा करते हैं, एंड शाम भी होने वाली है। आई थिंक हमारा वर्कर का काम भी पूरा हो गया होगा। आई थिंक वो चला गया। हाँ, यहाँ पे एकदम क्लियर है पूरा, हमारा यहाँ का पूरा काम फिनिश हो गया, एंड अब केवल इंतज़ार रहेगा तो फसल के उगने का, एंड वो भी जल्दी उग जाने वाली है क्योंकि हमने इसमें फर्टिलाइज़र एंड हार्वेस्टिंग तो कर ही दी थी अच्छे से। ओके, सो आज की वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एनिमल्स को मैं लेके आऊँ, एंड कुछ ग्रीन हाउस भी मैं लगाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड हमारे गेम में भी शाम होने वाली है, सो अभी अपना काम को बंद करते हैं, और एक और नई वीडियो में मिलते हैं एक और नई मॉर्निंग के साथ में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।